हे गाइज एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 104 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर ये आप फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये स्विच स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या होता है? ये स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल हम लोग का सेम होता है इफ इल्स की तरह, क्योंकि इस स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्विच स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का अपने प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट इज़ अ कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है हम लोग का जो कंडीशन स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल केस वैल्यूज। यानी कि जो हम लोग का स्विच स्टेटमेंट है वो हम लोग का तब इवेल्युएट होता है जब हम लोग अपनी किसी भी पर्टिकुलर केस वैल्यू को टच करते हैं। अगर ये आपको डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच स्टेटमेंट लाइक अ मेन्यू एट अ रेस्टोरेंट। जैसे हम लोग के रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी ढेर सारे मेन्यू मिलते हैं ना, वैसे ही आप समझ लो कि एक स्विच स्टेटमेंट वैसे ही वर्क करता है। ठीक, यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू चूज यू गेट अ स्पेसिफिक डिश। यानी कि जैसे हम लोग के रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू मिला रहता है, मेन्यू के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वही पर्टिकुलर डिश हम लोग को मिलता है। तो बस उसी तरह हम लोग का स्विच स्टेटमेंट होता है। और डिटेल में हम लोग डेफिनेशन के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इसको कोड के अंदर करेंगे आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग स्विच लिखते हैं। स्विच हम लोग का एक रिजर्व कीवर्ड होता है हम लोग के अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग स्विच कीवर्ड को लिखते हैं और स्विच के बाद हम लोग अपने एक्सप्रेशन को पास करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सप्रेशन को पास करेंगे वो एक्सप्रेशन को हम लोग बाद में मैच करने के लिए केस क्रिएट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग का केस है, ये भी एक केस है। तो यहाँ पे देखो ये केस के बाद हम लोगों ने कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। अगर ये वैल्यू हम लोग के एक्सप्रेशन वाले वैल्यू से मैच हो जाएगी तब तो यहाँ पे केस के नीचे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हम लोग अपने सेकेंड वाले वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन के साथ मैच करेंगे। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, अपने रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल के साथ, तो लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ चॉइस नाम का। ठीक, जिसके अंदर मैं करेंट में स्टोर कर लेता हूँ बिरयानी को। ठीक, ये हम लोग का एक डिश है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्विच क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चॉइस को यहाँ पे पास कर देंगे अपने पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे चॉइस को पास कर दिया। ठीक, अब अपने स्विच के अंदर हम लोग मल्टीपल केसेस क्रिएट करते हैं। तो लेट सपोज दैट मैंने एक पहला केस क्रिएट किया जिसके अंदर मेरा जो डिश है वो हम लोग का नान है। ठीक, कोलन लगाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल करा देता हूँ नान। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा केस बनेगा, दूसरा केस लेट सपोज दैट मैंने बिरयानी का ही बना दिया। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराऊंगा बिरयानी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से समझना चाहें तो यहाँ पे देखो मैंने एक मल्टीपल यहाँ पे केसेस क्रिएट कर दिए हैं। अब ये केसेस में हम लोगों का पहले में नान स्टोर है, दूसरे में हम लोग का बिरयानी स्टोर है, बट जो स्विच के अंदर हम लोग का चॉइस है उसके अंदर बिरयानी स्टोर है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले केस के साथ जब कंपैरिजन होगा बिरयानी का नान के साथ, तो ये वाला केस हम लोग का वैलिड नहीं होगा। तो इसके अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे वो हम लोग के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट जब सेकेंड टाइम वाला, जब हम लोग का सेकेंड केस आएगा, सेकेंड केस में क्या है, हम लोग की बिरयानी है, तो जैसे ही हम लोग की बिरयानी और ये चॉइस वाली बिरयानी आपस में मैच हो जाएगी तो ये वाला हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। सेम जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग इफ एल्स के साथ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत हम लोग का जो स्विच होता है वो रीडेबल होता है हम लोग का ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कोड के अंदर हम लोग सबसे पहले करके देखते हैं, ये भी बहुत ईजी होता है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग का HTML फाइल ओपन है जिसके अंदर मैंने अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रखा है। यहाँ से मैं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पर अपने इंस्पेक्ट में मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन भाई अपने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेट एक चॉइस नाम का क्रिएट करता हूँ वेरिएबल,
जिसके अंदर मैंने बिरयानी को स्टोर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग स्विच क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग स्विच लिखेंगे और अपने पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग चॉइस को पास करेंगे। ठीक, अब चॉइस के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल केसेस हो जाते हैं। लेट्स सपोज दैट हम लोग का पहला केस है जिसके अंदर हम लोग का जो डिस है वो हम लोग का नान है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अपने डिस का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोलन लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हम लोग कोलन लगा करके यहाँ पे डायरेक्ट जो भी हम लोग को कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी एक्सप्रेशन लिखना है वो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराना चाहता हूँ, यू ऑर्डर्ड नान। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर के एक दूसरा केस भी क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने स्टोर कर ली बिरयानी को। अगेन हम लोग यहाँ पे कोलन लगाएंगे और यहाँ पे भी मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ, यू चूज बिरयानी। ठीक, एक और हम लोग यहाँ पे केस क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मैंने क्रिएट कर लिया समोसा। इसमें हम लोग कंसोल लॉग करा देते हैं, अ टेस्टी चॉइस डैश करके यू ऑर्डर्ड समोसा। ठीक, सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का क्या प्रिंट होकर के आया है, यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हुआ यू चूज बिरयानी और जस्ट उसके नीचे प्रिंट हो गया अ टेस्टी चॉइस यू ऑर्डर समोसा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का स्विच होता है वो सबसे पहले मैच करेगा हम लोग के चॉइस को हम लोग के केसेस के साथ। तो यहाँ पे जो हम लोग का चॉइस है वो बिरयानी है, तो यहाँ पे ये वाला केस हम लोग का मैच हो गया। अब जैसे ही ये वाला केस हम लोग का मैच हो जाता है, स्विच एक्चुअल में क्या करता है, उसके नीचे किसी भी केस को चेक नहीं करता है और उसको प्रिंट कराते हुए चला जाता है, एग्जीक्यूट करते हुए चला जाता है। लेट सपोज दैट मैंने इसके नीचे एक और केस क्रिएट कर दिया सैलेड का, और यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ, अ हेल्थी चॉइस यू ऑर्डर्ड सैलेड। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो ये भी हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, अ हेल्थी चॉइस यू ऑर्डर्ड सैलेड। लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे समोसा को सेलेक्ट किया, अब मैं करूँ तो ये देखो अ टेस्टी चॉइस यू ऑर्डर्ड समोसा, अ हेल्थी चॉइस यू ऑर्डर्ड सैलेड, ये दोनों आ गया। ठीक, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग को अपने केसेस को ब्रेक करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकेंड केस को स्टार्ट करने से पहले अपने फर्स्ट केस को ब्रेक कर देंगे, फिर अगेन हम लोग अपने अगले वाले केस को ब्रेक करेंगे, फिर लास्ट इसको ब्रेक करेंगे, और क्योंकि हम लोग केस के बाद कोई भी केसेस नहीं है तो इसको ब्रेक करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, तो अब देखो अब हम लोग का केवल अ टेस्टी चॉइस यू ऑर्डर समोसा, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो हम लोगों ने चॉइस पास किया है जिसके अंदर हम लोग की समोसा वैल्यू स्टोर है, ये हम लोग के इस वाले केस के साथ मैच हो गया, और यहाँ पे जो हम लोग का कंसोल लॉग है वो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, तो यहाँ से हम लोग का जो कोड है वो ब्रेक हो गया, इसके आगे कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग के पास एक और चीज़ आता है, लेट सपोज दैट कोई इनवैलिड चॉइस पास कर दिया, लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा को पास कर दिया। सेव करूँ मैं इसको, तो देखो यहाँ पे हम लोग का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि लेट सपोज दैट कि हम लोग कोई इनवैलिड डिस को पास कर देते हैं, तब उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे केस नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग कंसोल करा देंगे, सॉरी दैट डिस इज़ नॉट ऑन द मेन्यू। सेव करता हूँ मैं इसको, तो ये देखो सॉरी दैट डिस इज़ नॉट ऑन द मेन्यू, यानी कि लेट सपोज दैट कोई ऐसा हम लोग चॉइस पास कर देते हैं जो कि हम लोग के मेन्यू के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब इस सेम चीज़ को हम लोग अपने इफ इल्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज दैट मैंने एक इफ केस क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने अगेन अपने चॉइस को पास किया। ठीक, अब यहाँ पे लेट सपोज दैट जो मेरा चॉइस है वो हम लोग के इक्वल हो गया नान से, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे, या फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे यू ऑर्डर नान। हम लोग अगला कंडीशन लगा देंगे एफ इल्स, जिसके अंदर अगर हम लोग का जो चॉइस है वो हो गया हम लोग का बिरयानी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग इसको कंसोल लॉक कराएंगे, हम लोग के पास एक अगला चॉइस होगा जिसके अंदर
यहाँ पे कंडीशन है हम लोग का कि हम लोग का जो चॉइस है अगर वो हम लोग के इक्वल हो गया समोसा के, तब हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग कंसोल लॉग ये कराएंगे। हम लोग का एक और कंडीशन आएगा जब हम लोग का जो चॉइस है वो हम लोग के इक्वल हो जाएगा सैलेड के, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस वाले को कौन सा लॉक करा देंगे। और अगर हम लोग का चॉइस इसमें से कोई भी मैच नहीं होता है तब हम लोग एक फॉल बैक क्रिएट कर देंगे यानी कि एल्स क्रिएट कर देंगे जिसमें हम लोग कौन सा लॉक करा देंगे सॉरी दैट डिश इजंट इन द मेन्यू। सेव करते हैं इसको, तो ये देखो सॉरी दैट डिश इजंट इन द मेन्यू, यहाँ पे मैं कंसोल करा सकता हूँ फ्रॉम इफ एल्स। सेव करें तो ये देखो ये हम लोग के स्विच के थ्रू मिल रहा है, ये हम लोग के एफ एल्स के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका चॉइस है कि आप यहाँ पे स्विच का यूज़ करना चाहते हो कि यहाँ पे एफ एल्स का यूज़ करना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्विच है वो हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है, बट मेनली हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर स्विचेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो होपफुली आपको ओवर व्यू समझ में आ गया कि हम लोग स्विच का कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।